हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेरे मन की बात। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में डुप्लीकेट ईमेल जो हम रिसीव करते हैं उसको कैसे डिलीट किया जाए और अपने मेल बॉक्स को क्लीन किया जाए। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके हम हमारे जो ईमेल्स हैं हम उसको ऑफलाइन सेव कर सकते हैं और ऑफलाइन उसको यूज़ भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसलिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ईमेल्स रिसीव होती हैं और हर एक ईमेल को अपने ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज़ करते हैं ताकि सारे के सारे ईमेल्स हम डाउनलोड कर सकें और उसको हम जब भी इन फ्यूचर ज़रूरत हो उसको यूज़ कर सकें। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कभी कभी डुप्लीकेट ईमेल्स रिसीव होती हैं तो इससे होता क्या है, इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में डुप्लीकेट ईमेल्स आते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है। इससे जो हम इंस्टेंट सर्च यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और वह हमारा जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है वह नहीं दे पाता है। कई ईमेल्स जो हम सर्च करते हैं इवन होने के बाद भी हमारे को अवेलेबल नहीं होती हैं और वह हमारे को सर्च करके नहीं दिखा पाता है। जो हमारा साइज मेल बॉक्स का साइज़ है आफ्टर डाउनलोडिंग वो बढ़ जाता है जिस कारण से हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका फर्दर ये नुकसान हो जाता है हमारे को कि जो हमारा आउटलुक है वो टाइम के साथ साइज़ बड़ा होने के साथ हैंग करने लग जाता है और कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो ये है कि हमने अपने जो ईमेल्स को करेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। हम जब भी आउटलुक सेटअप करते हैं अपने ईमेल्स के डिटेल्स के साथ वो करेक्टली सेटअप नहीं किया गया है। दूसरा कारण है जो हमारा शॉर्ट सेंडिंग और रिसीविंग का जो टाइम हमने सेट किया वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम फ्रेम डालना चाहिए जिस कारण से कि रिसीविंग और सेंडिंग हो सके। बहुत कम टाइम होने के कारण होता ये है कि जो कई मैसेजेस आउटलुक ने जो डाउनलोड पहले से कर रखे हैं वो दोबारा डाउनलोड कर लेता है जिससे कि हमारा मेल बॉक्स बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कारण है वो है टेक्निकल इशू में ये है कि कभी कभी जब हम अकाउंट सेटअप करते हैं तो उसमें हम एक ऑप्शन देते हैं लीव अ मैसेज ऑन द सर्वर। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा अकाउंट सेटअप होता है वो बहुत सारे सिस्टम्स में होता है जिस कारण से कि हर एक सिस्टम हर एक ऑफिस उसको हर एक यूज़र उसको डाउनलोड करता है, इसलिए हम क्या मार्क कर देते हैं लीव अ मैसेज ऑन द सर्वर। इससे होता ये है कि जब भी कोई टेक्निकल इशू आता है तो आउटलुक उसको डाउनलोड उस ईमेल को डाउनलोड कर लेता है। तो इसी में आगे हमारे पास जो रेमेडी है वो क्या है। अगर किसी भी कारणवश हमारे आपके सिस्टम में डुप्लीकेट ईमेल्स आ जाते तो जितने भी हमारे पास रिडंडेंसी वाले मेल्स होंगे उसको क्लीन करने के लिए हम जाएंगे होम पे। होम के बगल में आएगा न्यू आइटम्स के साथ आएगा न्यू ईमेल और न्यू आइटम्स एक साथ आएंगे उसके जस्ट बिलो आएगा हमारे पास इग्नोर क्लीनअप। तो क्लीनअप से ही सारे के सारे डिलीट होंगे। तो इसमें क्लीनअप के अंदर जैसे हम देख रहे हैं पा रहे होंगे क्लीनअप कन्वर्सेशन क्लीनअप फोल्डर एंड सब फोल्डर आ रहा होगा। तो जो हमारा क्लीनअप कन्वर्सेशन है वो एक मेल जो कि दो बार या तीन बार आ गया है उसको हम सिर्फ एक मेल को ही क्लीन करेगा, जबकि जो क्लीनअप फोल्डर है एक पूरा का पूरा फोल्डर करेगा, जैसे कि इनबॉक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सेंट आइटम्स डिलीटेड, कोई भी जो फोल्डर हैं वो पूरा का पूरे में जितने भी रिडंडेंसी वाले मेल्स होंगे उसको क्लीन कर देगा। तो चलिए, हाँ, जैसे कि मेरे मेल बॉक्स में कुछ रिडंडेंसी मेल्स आज ही मुझे रिसीव हुए हैं उसको हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट अप करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लीन अप पे जाने के बाद हम
क्या सिलेक्ट करेंगे, क्लीन अप फोल्डर। जैसे हम क्लीन अप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो मेरे पास जो एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होके आएगा जो बोलेगा कि ऑल रिडंडेंट मैसेजेस इन द करंट फोल्डर विल बी मूव टू द डिलीटेड आइटम्स फोल्डर। तो हमने क्या, उसके बाद ये बोल रहा है कि जो भी डिलीट करेगा वो डिलीटेड आइटम्स में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमने अब फर्दर क्लीन अप फोल्डर को क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही क्लीन अप फोल्डर को क्लिक करेंगे तो हम नीचे ये पाएंगे कि जो इसका प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लीन अप इनबॉक्स आ रहा है, तो इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना है। तो दोस्तों अगर आप नोट करेंगे तो जो मेरे जितने भी रिडंडेंसी वाले मेल्स थे वो डिलीटेड आइटम्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से जो हमारा जितने भी रिडंडेंसी वाले ईमेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। फर्दर इनको डिलीट करना है तो डिलीटेड आइटम्स को सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है ताकि वो परमानेंटली आपके मेल बॉक्स से डिलीट हो जाएं।